साथियों, आप सभी जो यह तस्वीर देख रहे हैं वह पृथ्वी के किसी बर्फीले क्षेत्र की नहीं बल्कि चांद की धरती पर उतरे इंसानों की है, जो चांद की धरती पर अमेरिका का झंडा भी लगा रहे हैं। दोस्तों, 54 साल पहले अपोलो मिशन की लॉन्चिंग ने भी हर किसी को अचंभे में डाल दिया था। यह वही मिशन था जिसके तहत पहली बार इंसान ने अपना प्लैनेट छोड़कर चांद की धरती पर उतरा था। अपोलो मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, कमांडेंट मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन शामिल थे, जो एडवेंचरस सफर की शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन चांद पर कदम रखने से मात्र चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर मौजूद नासा मिशन कंट्रोल सेंटर के सभी वैज्ञानिक सदमे में आ गए। यहां तक कि इन एस्ट्रोनॉट्स को लगने लगा था कि अब पृथ्वी पर कभी लौट ही नहीं पाएंगे। तो आखिर चांद की सतह पर क्या हुआ था उनके साथ, उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्यों उम्मीद खो देने के बाद भी ये धरती पर सही सलामत वापस आ सके। दोस्तों, वो दिन था 16 जुलाई 1969, जिस दिन अपोलो 11 लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार था और एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे। पूरी साइंटिस्ट टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लॉन्चिंग प्लेस में काफी भीड़ भाड़ थी। इस मिशन की लॉन्चिंग को 10 लाख लोगों ने समुद्र के किनारे और राजमार्गों से देखा था। वहीं घरों और ऑफिसों में मौजूद 7 करोड़ लोग अपने कामों को साइड करके लाइव प्रसारण के जरिए इस ऐतिहासिक मोमेंट का गवाह बन रहे थे। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट विजार्ड निक्सन भी वहां पीछे रहने वाले नहीं थे। व्हाइट हाउस में मौजूद टीवी पर उन्होंने लाइव अपोलो मिशन को उड़ान भरते देखा था। कई साल की मेहनत और रिसर्च के बाद नासा ने वह कर दिखाया था जिसके बारे में हम अपने बचपन की कहानी में सुना करते थे। यह मिशन सुबह 9:32 पर लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी की कक्षा में सिर्फ 12 मिनट में ही एंटर कर गया था। इसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते ही SIVV थर्ड स्टेज रॉकेट ने उसे चांद के पथ पर अग्रसर कर दिया। इसके 30 मिनट बाद में रॉकेट सैटर्न वीक स्पेस क्राफ्ट से अलग हो गया और स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल सही गति से अपने दिशा की तरफ बढ़ने लगा। फिर आया 20 जुलाई का दिन, जब मुख्य यान कोलंबिया से लूनर मॉड्यूल अलग हो गया। कोलंबिया में माइकल कॉलम अकेले रह गए थे और वहां से निरीक्षण कर रहे थे कि लूनर मॉड्यूल कैसा परफॉर्म कर रहा है। लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन भी मौजूद थे। दोस्तों, 20 जुलाई को चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच गए और तीनों एस्ट्रोनॉट्स 4 दिन के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर चांद की इस दुनिया में बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। जब सबको लग रहा था कि हर एक चीज यानी सब कुछ प्लान के मुताबिक है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। हमारे लिए 4 सेकंड का समय भले ही कोई खास इंपोर्टेंस न रखता हो, लेकिन अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल रहे यान के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है और उसे उसकी डेस्टिनेशन से मीलों दूर पहुंचा सकता है। इस 4 सेकंड का मतलब था कि ईगल निर्धारित की गई जगह पर लैंड नहीं करके कहीं और लैंड करने वाला था। अब चंद्रमा की हर जगह स्पेस क्राफ्ट को उतारने के लायक नहीं है। वहां बड़े बड़े गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ सतह मौजूद है जहां से टकराकर ईगल क्रैश भी हो सकता था। यह ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूटने लगे, क्योंकि यहां उन्हें पृथ्वी से भी हेल्प नहीं मिल सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर बची थी कि तभी एक और मुसीबत में दस्तक दे दी, जिससे उनकी सांसें हलक उठी, क्योंकि अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे का संकेत देने लगा। इसकी सूचना धरती पर भेजी गई, जिसके बाद नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में हड़कंप सा मच गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा संकेत क्यों दे रहा है। थोड़ी जांच के बाद एस्ट्रोनॉट से कहा गया कि ओवरलोड की वजह से आने वाला संकेत है, जिसे नजरअंदाज करके एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन में आगे बढ़े। इसके बाद सबकी जान में जान आई और वह चांद पर लैंडिंग की तैयारी करने लगे। तभी नील आर्मस्ट्रांग की नजर बाहर गई। उन्होंने देखा कि ऑटोपायलट कंप्यूटर एक बहुत बड़े गड्ढे के पास यान की लैंडिंग करा रहा है। इसके बाद उन्होंने तेजी दिखाई और यान के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर उन्होंने ऐसी जगह ढूंढना शुरू किया जहां अपोलो यान को बिना किसी नुकसान के उतारा जा सके। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का समय आ ही गया और 20 जुलाई के दिन 20:17:39 IST पर ईगलयान की चंद्रमा पर सही सलामत लैंडिंग हो गई।
इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने लैंडिंग की सूचना कोलंबिया में मौजूद माइकल कॉलिंस को दी। अपोलो यान के चांद पर लैंडिंग के 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा, जिसकी तस्वीर शेयर कर उन्होंने कहा कि यह इंसान का एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 3 घंटे तक चांद की सतह पर अलग अलग एंगल से तस्वीरें निकाली, वहां से पत्थर कलेक्ट किए, मिट्टी उठाई और सतह को खोद कर वहां से नमूने लिए ताकि पृथ्वी पर इन सभी चीजों की जांच हो सके और चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठ सके जो अभी तक किसी को पता नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने यान ईगल की तस्वीरें भी ली थी ताकि उसकी लैंडिंग के बाद की स्थिति के बारे में जांच की जा सके। कैमरे से चारों तरफ रिकॉर्डिंग की गई। दोनों एस्ट्रोनॉट्स कंगारू की तरह उछल कूद करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां उनका चलना काफी मुश्किल हो रहा था। उछलते और गिरते पड़ते हुए उन्होंने अपने सारे मकसद को पूरा किया और वहां अमेरिका का झंडा भी फहराया और उसे सलूट भी किया और यूएस प्रेसिडेंट से फोन पर बातें की, जिसे पृथ्वी पर मौजूद लोग लाइव देख रहे थे। वह बहुत ही गर्व का मूवमेंट था जिससे ना सिर्फ नासा और यूएस के सीने चौड़े हो गए बल्कि इसे पूरी दुनिया के इंसानों द्वारा हासिल की गई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा गया। इस लाइव प्रसारण को कम से कम 60 करोड़ लोगों ने देखा था और वे इतने हैरान थे कि उन्हें अब भी अपनी आंखों हो पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। ये मिशन तो सक्सेसफुली हो गया, सबके मन में उस समय यही चल रहा था, लेकिन अभी भी इस मिशन की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। झंडा फहराकर एस्ट्रोनॉट्स जैसे ही मुड़ते उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको लगने लगा कि अब वह चांद पर ही अटक चुके हैं और धरती पर कभी लौट ही नहीं पाएंगे। असल में कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यान के फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था और फ्यूल कन्वर्ट होकर बर्फ का रूप ले रहा था। यह प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अंतरिक्ष यान कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और यह ऐसी स्थिति थी जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सांस रुक सी गई। लेकिन 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के पाइप का प्रेशर कम होने लगा है और बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, जिससे उन्हें सुकून महसूस हुआ। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि एक और मुसीबत इनके सामने खड़ी हो गई। असल में अंतरिक्ष यान के दाहिनी ओर एक स्विच टूट कर नीचे गिर गया था जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगा और उस हिस्से की पावर कट हो गई। काफी ढूंढने के बाद एडविन के हाथ स्विच तो आ चुका था लेकिन उसे ठीक करना एक बड़ा चैलेंज था। जैसे तैसे करके उन्होंने उसे ठीक किया और पृथ्वी पर लौटने के अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद 24 जुलाई के दिन अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया था। उनके स्वागत के लिए यूएस प्रेसिडेंट खुद गए थे और इन एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में पार्टी भी रखी गई जिसमें कई देशों के पावरफुल लोगों को इनवाइट किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई देशों का दौरा भी किया जहां से उनको बहुत और सम्मान मिला। दोस्तों, ये थी चांद पर पहली बार जाने वाले इंसान की अद्भुत कहानी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो को देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।